प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश कुमार, कक्षा 12 गणित, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, लेक्चर 5 यानी प्रश्नावली 2.2, क्वेश्चन नंबर 15 को लेकर हम चल रहा हूँ। इससे पिछले प्रश्न हमने 1 से 14 लेक्चर नंबर 4 में हमने दे दिए हैं, वहाँ से प्रत्येक प्रश्न को समझिए और नोट करिए, और इससे आगे प्रश्न हम लेके चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 तो यहाँ पर जो दिया है इसे हम सॉल्व करेंगे। दिया है 10 वर्स x-1 / x-2 प्लस के 10 वर्स x+1 / x+2 = π/4, तो x का मान ज्ञात करना है। तो हमारी प्रश्नावली में भी यही प्रश्न 15 नंबर हमने नोट कर लिया है, ठीक है, प्रश्नावली 2.2। तो हमने इससे सारे क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में दे दिए हैं 1 से 14 तक, ठीक है। तो अब इसको बारी बारी से समझने की जरा कोशिश करें, हम सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व क्या दिया है, 10 inverse x-1 x-2 (10 inverse x+1 x+2) = π/4। एक सूत्र होता है 10 inverse x + 10 inverse y, तो 10 inverse x + 10 inverse y बराबर होता सूत्र 10 inverse x+y / 1-x y। तो इसको भी लिखने गए उसी प्रकार, तो 10 inverse x-1 x-2 + x+1 / x+2, बक्स बंद कर दो उनके लिए, ठीक है, और बराबर π/4, ठीक। अब 10 numbers को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये बचेगा x-1 x-2 x+1 x+2 = 10π/4, जो 10π/4 का मान होता है 1, ठीक है। एक स्टेप कम कर सकते हैं इसके लिए, तो देखो यहाँ पर, तो देखो कैसे गुणा करो, हाँ इसमें एक चीज बच गई, अपान, अपान क्या होगा, 1-x-1 / x-2 (x+1 x+2), तो वही चीज यहाँ पर आएगी, अपान 1-x-1 x-2 x+1 x+2, ठीक। तो अब सवाल लंबा है भाई, इसको धैर्य रखें। अब इसकी कैची गुणा करवा देंगे, कैची गुणा करवा ही रहे थे, तो यहाँ पर जो बनेगा जाके x-1 x+2 + x+1 / x-2 / x+2। अब इसकी गुणा भी हो जाएगी, इसके बटे 1 कर दो, तो x-2 x+2 - x-1 x+1 / x-2 x+2, तो देखो ऐसे ये कैंसिल हो जाएंगे और बराबर 1, ठीक। अब इसकी गुणा करो भाई, x गुणा x स्क्वायर, इसकी जो गुणा होगी x² + 2x - x (x-2) + x² - 2x (+x-2) / तो ये क्या हो जाएगा, नीचे युगांतर बन रहा है, x² - 4 - x² - 1 = 1, ठीक। अब इससे कुछ कैंसिल हो रहा होगा, +(2x - 2x) और कुछ बचा, +(kx - kx) + (kx). अब क्या बच गया इसमें, तो -(-2) - -2) = 4 हो जाएंगे, तो ये आएगा x² - 1x² - 2x² और -(-2) - 4 / इसमें क्या बचेगा,
एक्स स्क्वायर माइनस के चार माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के वन बराबर के एक। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ देख लीजिए आप, तो ये आएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस चार और माइनस के चार माइनस के तीन बराबर प्लस के वन, प्लस का है जी। कैसे गुणा करवाओ, टू एक्स स्क्वायर माइनस चार बराबर माइनस तीन, और टू एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस तीन प्लस के चार, फिर हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर बराबर एक, एक्स स्क्वायर बराबर एक बटे दो, और एक्स बराबर एक बटे प्लस माइनस अंडर रूट दो। यही इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। उम्मीद है जे क्लियर हुआ होगा। जो एक्स का मान आया है वो कितना आया है, प्लस माइनस एक बटे रूट दो, यही आपका सोल्यूशन है। ठीक है, क्लियर हुआ। ये बहुत अच्छा सवाल था, इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसका ही सूत्र का बिना सूत्र के प्रयोग नहीं कर पाओगे। ये आपका सूत्र है। ठीक, उम्मीद है सवाल क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, प्रश्न में दिया गया यहाँ पर है, प्रश्न 16 से 18 में दिए गए प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो इसका जो मान होता है, मुख्य जो मान ज्ञात किया जाता है, तो माइनस π/2 से और प्लस π/2 होता है। किसका, साइन का, साइन इनवर्स का। और जो साइन की रेंज होती है वो माइनस π/2 से प्लस π/2 इनवर्स में होती है। तो देखो प्रांत, अब इसमें हम करते हैं, दिया है साइन इनवर्स, तो हमको साइन के माइनस π/2 से प्लस π/2 में रखना है, तो इसमें क्या करेंगे, साइन पाई माइनस के π/3, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, तो क्या साइन साइन कट गया, तो साइन पाई माइनस के π/3, तो क्या हो गया, पाई माइनस के π/3, और थ्री में से कितना घटा दोगे, इसमें मामला साइन 180 माइनस थीटा, यहाँ लिखो साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो साइन π/3 बचेगा, क्या बचेगा, यहाँ पर रखते हैं, इसे हटाओ, साइन इनवर्स साइन π/3, तो साइन साइन कैंसिल हो गया, क्या बच गया, π/3। देखो माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में मान आ गया है, यही इसका राइट आंसर है। ठीक, इसी प्रकार अब 17वां क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, टेन इनवर्स टेन 3π/4, इसकी भी रेंज क्या होती है, इसकी भी रेंज क्या होती है, माइनस के π/2 से प्लस π/2 के बीच में होती है। तो देखो इसको चलते हैं, टेन इनवर्स और टेन पाई माइनस कितना π/4, चार एक में से चार, चार में से गया तीन, तो चूंक टेन 180 माइनस थीटा क्या होता है, टेन पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस के टेन थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स और माइनस के टेन π/4, तो क्या कट के आ जाएगा, माइनस चिन्ह आ गया यहाँ पर, तो माइनस के π/4, यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। बहुत छोटे सवाल हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, टेन साइन इनवर्स 3/5 प्लस के कॉट इनवर्स 3/2 का मान ज्ञात करना है। तो देखो लेके चल रहा हूँ, इसके लिए टेन साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो एक काम करेंगे, पहले हम साइन इनवर्स का मान निकालेंगे। माना साइन इनवर्स 3/5 बराबर थीटा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 3/5। एक चित्र बनाए भाई छोटा सा, तो साइन थीटा लंब बटे करण, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा लंब 3/5, तो ए बी सी, तो ए बी बराबर हो जाएगा 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग,
25 माइनस 9 तो कितना आ जाएगा रूट 16, 16 का 4, तो 4 मिल गया। अब हम 10 के पदों में लाना चाहते तभी हमारा सूत्र बन पाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 10 थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार 3/4, तो क्या हो जाएगा थीटा बराबर, क्या हो जाएगा थीटा बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4। ठीक, तो अब 10 इनवर्स वन निकाल लिया है तो 10 इनवर्स 3/4 मिल गया मुझे। ठीक, जो हम थीटा माना था थीटा के बराबर आ गया, तो साइन साइन इनवर्स बराबर थीटा, साइन थीटा बराबर ले लिया मैंने, निकाल लिया। तो 10 इनवर्स इसको दिखाएं किसके बराबर है, तो यहाँ लेते 10 और 10 इनवर्स 3/4, इसको पलट दोगे तो 10 इनवर्स 2/3। ठीक, अब हम इसको 10 इनवर्स a+b के सूत्र से निकाल देंगे, तो चूंक 10 इनवर्स x और 10 इनवर्स y का जो सूत्र होता है, तो 10 इनवर्स x+y और 1 - xy, तो उसी प्रकार चलेंगे तो 10 और इंटू 10 इनवर्स क्या 3/4 2/3 / 1 - 3/4 2/3, 3 से 3 कट गया और 2 दूनी 4, तो देखो क्या बचे, जैसे ये भी कट गया कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया आपका 3 3 9 प्लस के 2 4 2 8, 4 3 12, और इसमें क्या बच गया 2 1 - 2 - 1/2। ठीक है, तो 9 8 17 17/12 और 1/2 2 6 12, तो कितना हो गया 17/6 आंसर आएगा, कितना आएगा 17/6, ये इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन था। ठीक है, कि उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, सवाल थोड़ा छोटा था, थोड़ा इसका हट गया था, इसको बनाना पड़ेगा। ठीक, जब तक इसको नहीं बनाओगे 10 इनवर्स के पदों में तब काम चल जाए, इसे भी 10 इनवर्स के पदों में। ठीक, 10 इनवर्स के पद बनाएंगे तभी हमारा सूत्र बन जाए, सूत्र बनने के इसके मान भर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, इसमें विकल्प हमको छांटना है। 19वें में कोस इनवर्स कोस 7π/6 का मान बराबर किसके है, मैं देखो मैं नोट कर लिया है, तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। कोस इनवर्स कोस 7π/6, तो यहाँ पर कोस इनवर्स और कोस पाई प्लस के पाई बटे 6, तो इसके जो इसकी भी रेंज होती है 0 से π होती है, किसकी होती है कॉस इनवर्स की, 0 से π रेंज होती है, उसी के बीच में रखना है। तो 6 × 7π हम जानते हैं, चूंक कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है, तो जो हो जाता है माइनस के कॉस थीटा, तो यही लगाएंगे कॉस इनवर्स माइनस के कॉस पाई बाई 6, तो कॉस पाई बाई 6। अब जब कोस माइनस कोस उसमें आ गया है, इसकी जो पाई बाई 6 में होता है, 0 से π में होता है, तो इसको हमको एक सूत्र लगाना पड़ता था, तो जैसे लिखते थे कोस इनवर्स, तो इसको हम उस मुख्य मान में लेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स पाई बाई 6। ठीक है, तो क्या इसको निकलेगा, तो इसका हाँ कोस इनवर्स कोस कोस आएगा कोस, इसको उठाओ, इसका पाई माइनस कोस इनवर्स कोस पाई बाई 6 मुख्य मान लेते थे, तो पाई माइनस के पाई बाई 6, तो 5π/6 आएगा, इसके एक करके 6 कम 6 में से एक पाई गया तो 5π/6। दूसरा भी तरीका इसमें अगर सेकंड मेथड से लगाओगे क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 7π/6,
तो क्या इसको तो उसमें लेंगे, तो कॉस इनवर्स और कॉस टू पाई माइनस के पाँच पाई बाई सिक्स, तो क्या तो देखो कॉस टू पाई माइनस के पाँच पाई बाई सिक्स, छः दूनी बारह, बारह में से पाँच गए सात, तो कितना आ जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, टू पाई माइनस के पाँच पाई बाई सिक्स, छः दूनी बारह, बारह में से तो क्या बच जाएगा, अरे हाँ टू पाई थीटा, तो कॉस पाँच पाई बाई आ जाएगा, कॉस पाँच पाई, तो यहाँ लिख दो कॉस इनवर्स और कॉस पाँच पाई बाई सिक्स, तो कैंसिल होकर क्या बच जाएगा, ये आ जाएगा पाँच पाई बाई सिक्स, ये दूसरा तरीका था, ठीक है, ये कुछ नहीं है। तो ऐसे सेकंड मेथड से भी लगा सकते हो, फर्स्ट मेथड से भी लगा सकते हो, दोनों विधियों से आप कर सकते हो। चलते हैं बीस सवाल की ओर, बीसवें नंबर की ओर, देखिए अगला सवाल, साइन पाई बाई थ्री माइनस के साइन इनवर्स माइनस एक बटे दो का मान हमको ज्ञात करना है, तो देखो क्या करना है, साइन पाई बाई थ्री और साइन माइनस थीटा प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स वन बाई टू, तो इसको क्या करोगे, साइन पाई बाई थ्री, ठीक है, पाई बाई थ्री और प्लस के पाई बाई सिक्स इसका मान होता है, तो कितना हो जाएगा, साइन छिदूनी इसकी दो के ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो टू पाई और प्लस के पाई बटे सिक्स खुलासा हो गया छः, तो कितना हो गया, साइन तीन पाई बटे सिक्स, तो कितना हो गया, तीन दूनी छः, तो साइन पाई बाई टू इसका मान आएगा एक, इज द राइट आंसर, ठीक है, क्यों हम जानते हैं साइन साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, तो साइन गुणा करवाए तो प्लस हो गया इसमें, ठीक है, इसलिए अब साइन नंबर से एक बटा दो का मान पाई बाई सिक्स होता है, साइन यहाँ भी लिख दें साइन इनवर्स एक बटा दो का मान पाई बाई सिक्स, इसलिए हुआ इसका मान है। देखो इसको सोल्व कर रहा हूँ, अच्छा सवाल है, टेन इनवर्स रूट थ्री, टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस के कोट इनवर्स माइनस रूट थ्री, अब कोट माइनस आ गया तो पाई बाई पाई तो लगेगी माइनस के, तो देखो टेन इनवर्स रूट थ्री और माइनस के पाई माइनस के कॉट इनवर्स रूट थ्री, ठीक, तो क्या टेन इनवर्स रूट थ्री और इसमें टेन इसका मान भर दो, क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट रूट थ्री का मान कितना होता है, पाई बाई सिक्स, तो चूंकि लिख सकते हो कॉट इनवर्स रूट थ्री का मान होता है पाई बाई सिक्स, तो कितना हो जाएगा पाई बाई सिक्स, तो अब गुणा कर दीजिए, टेन इनवर्स का रूट थ्री का मान कितना होता है पाई बाई थ्री, ये भी लिख दो, टेन इनवर्स रूट थ्री का मान होता है पाई बाई थ्री, तो पाई बाई थ्री और माइनस के पाई और प्लस के पाई बाई सिक्स, ठीक है, तो क्या करोगे इसके लिए भाई, सबके बटे लासा का लासा कितना है छः, तो इसमें दो की गुणा कर दो टू पाई, इसमें माइनस के छः पाई और प्लस के पाई बटे छः, तो कितना हो गया है दो और एक तीन, तीन में तो छः गए, तो तीन में तो छः गए माइनस के तीन पाई बटे छः, तीन दूनी छः, कितना मान आए माइनस के पाई बाई टू आएगा, ये इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, और इसमें भी ऑप्शन में दिया होगा बी फॉर बॉम्बे माइनस के पाई बाई टू आ गया है, ठीक, उम्मीद है सवाल सारे क्लियर हुए होंगे और हमने विविध सवाल को पूरा कर दिया है, अब विविध उदाहरण और विविध सवाल हम करवाएंगे एक एक करके, ठीक है, चलते हैं उदाहरण नंबर नौ की ओर, जो विविध प्रश्नावली के उदाहरण हैं, तो प्रिय छात्रों अगला हम विविध उदाहरण ले रहे हैं, तो दिया है साइन इनवर्स साइन थ्री पाई बाई फाइव का मान ज्ञात कीजिए, तो देखिए, तो देखो साइन इनवर्स साइन थ्री
पाई बाई फाइव। तो इसकी मुख्य मान होता है साइन इनवर्स का मुख्य मान किस शाखा में होता है, माइनस के पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के रेंज में होता है। ठीक है, तो इसका जो क्या देखेंगे, तो इससे तो पार हो रहा है थ्री पाई बाई, तो ये तो नहीं फंस रहा है, थ्री पाई बाई फाइव इज नॉट, इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे, तो हम पाई हम कुछ घटा के देखेंगे, तो हम क्या देखेंगे, देखो साइन इनवर्स साइन पाई माइनस टू पाई बाई फाइव, पाँच में से दो का कितना बचेगा थ्री, तो क्या हो जाएगा, तो हम करेंगे तो यहाँ पर साइन साइन कट जाएगा, पाई माइनस क्या बच जाएगा टू पाई, तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स साइन टू पाई बाई फाइव, चूँक सूत्र होता है साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये भी सूत्र होता है ना। ठीक है, तो जैसे कैंसिल हो जाए क्या बचेगा टू पाई बाई फाइव, ए इज द राइट आंसर। अगले उदाहरण की ओर चल रहे हैं। अब सवाल है, दर्शाइए कि साइन इनवर्स तीन बटे पाँच, साइन इनवर्स आठ बटे सत्रह, तो कॉस इनवर्स चौरासी बटे पचासी, इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है भाई, तो थोड़ा सवाल लंबा जरूर पड़ेगा, तो हम इसे कन्वर्ट टेन के पदों में, साइन को टेन के पदों में ले आएंगे। ठीक है, तो देखो दिया है साइन इनवर्स तीन बटे पाँच और साइन इनवर्स आठ बटे सत्रह, एल एच एस ले कर चल रहा हूँ। ठीक, तो थोड़ा रफ ले कर चल रहा हूँ। यहाँ हम चित्र बनाते हैं, साइन इनवर्स तीन बटे पाँच बराबर थीटा, तो क्या हो जाएगा तीन बटे पाँच बराबर साइन थीटा, लम बटे करण तो तीन बटे पाँच। ठीक है, अब यहाँ क्या है, पाँच का वर्ग माइनस तीन का वर्ग, तो आ जाएगा चार आएगा इसके लिए। ठीक है, ए बी सी, तो यहाँ आ जाएगा टेन थीटा बराबर हुआ तीन बटे चार, और थीटा बराबर टेन इनवर्स तीन बटे चार, वो किसके बराबर है, साइन इनवर्स तीन बटे पाँच के बराबर क्या आया, टेन इनवर्स तीन बटे चार, इसको याद करो। एक पॉइंट तो यहाँ पर हो गया आपका, है ये रफ है। और इसी प्रकार हम करेंगे साइन इनवर्स आठ बटे सत्रह, तो आठ बटे सत्रह करोगे तुम्हारा थीटा माना है, तो आठ बटे सत्रह बराबर साइन थीटा, फिर चित्र बनाया मैंने लंब बटे करण आठ सत्रह, तो कितना इसका सत्रह, और आठ में सत्रह का वर्ग माइनस आठ का वर्ग पंद्रह आएगा। ठीक, ए बी सी हम जानते हैं, ए बी बराबर निकालोगे अंडर रूट सत्रह का वर्ग और माइनस आठ का वर्ग, तो पंद्रह आएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर आठ बटे पंद्रह, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स आठ बटे पंद्रह, तो साइन इनवर्स आठ बटे सत्रह बराबर टेन इनवर्स आठ बटे पंद्रह, ईमान मिल गए। तो अब यहाँ पर एक सूत्र होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई का, तो क्या होता है हम जानते हैं, तो इसके मान भर दीजिए, तो साइन इनवर्स तीन बटे पाँच वाला मान हो गया टेन इनवर्स तीन बटे चार, टेन इनवर्स इसका मान क्या है आठ बटे पंद्रह। ठीक, ये मान मिल गए आपके लिए। अब टेन इनवर्स एक्स का सूत्र क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस के टेन इनवर्स बाई, तो इसमें हम चूंक टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स बाई बराबर होता है टेन इनवर्स
यक्स प्लस के बाई और वन माइनस यक्स बाई। तो देखो टेन इनवर्स 3/4 8/15 अपान वन माइनस 3/4 8/15। तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, ये तो रफ है आपका पूरा, तो टेन इनवर्स क्या निकला इसका लिए, तो इसमें 15 3 45 और 8 4 32 15 4 60 अपान क्या हो जाएगा 15 4 60 माइनस इसके करोगे और 8 3 24 अपान 60, 60 से 60 कैंसिल, तो कितना आया टेन इनवर्स 5 2 7, तो कितना बचा टेन इनवर्स में माइनस सूत्र गलत लगा गए, माइनस हो गया यहाँ पर टेन इनवर्स, यहाँ पर टेन इनवर्स माइनस और जो हो जाएगा प्लस, ठीक तो जो होगा माइनस जो होगा प्लस, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स बाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस बाई अपॉन वन प्लस एक्स बाई, ठीक है तो जो हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगी यहाँ पर, 5 में 2 गए 3 तो कितना बचेगा 13/84, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये तो आ गया, अब एक फिर से बनाएंगे, हम बनाएंगे चित्र और बनाना पड़ेगा भाई एक और, हम मानते हैं टेन 13/84 बराबर थीटा टेन इनवर्स और टेन थीटा बराबर हो जाएगा 13/84, फिर चित्र बनाओ एक क्या हो जाएगा लंब बटे आधार 13/84, तो इसका निकालें कितना आ जाएगा इसका 85 आएगा ना, तो इसका कितना निकलेगा 85 आएगा, ठीक। तो अब इसको हम कोस थीटा बराबर आधार बटे करण, तो ये हो जाएगा कोस, थोड़ा इधर ले लें यहाँ पर दिखा दें, टेन इनवर्स 13/84 और हमने लिया चित्र बनाया इसके टेन थीटा पर लंब बटे आधार हो जाएगा, तो 13/84 और ये आएगा आपका 85 आएगा, ठीक है करण कितना आ जाएगा 85। तो इसे हमने क्या लिया था टेन इनवर्स 13/84 बराबर थीटा, तो 13/84 बराबर हम लिया टेन थीटा और टेन थीटा का मान लगा के अब कोस थीटा कितना हो जाएगा कोस थीटा बराबर हो जाएगा कोस थीटा बराबर आ जाएगा आधार बटे करण 84/85, जो किसके बराबर था आपका टेन इनवर्स यानी थीटा बराबर क्या था, थीटा बराबर था टेन इनवर्स 13/84 बराबर कॉस इनवर्स 84/85, तो यहाँ पर मान भर दो तो कॉस इनवर्स 84/85 यही आपको प्रूफ करना था, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। यही सवाल हम सेकंड मेथड से अभी दे रहे हैं साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई वाले से, ठीक है। अब देखिए सेकंड मेथड कर रहा हूँ तो इसका सूत्र होता है तो साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर माइनस 8/17 अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जिस सूत्र के द्वारा होता है तो इसको सूत्र भी लगा दें, जैसे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई, चूँक इसका सूत्र होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इससे भी तो साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट तो 17 वन माइनस 64/
289 और -8/17 अंडर रूट 1 -9/25, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट 289 -64/289 8/17 अंडर रूट 25 -9/25, तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट कितना बचेगा, 225/289 और -8/17 अंडर रूट 16/25। इसका वर्गमूल ले लीजिए, साइन इनवर्स 3/5, तो इसका कितना बच जाएगा, 15/17 और -8/17 × 4/5, ठीक है। तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, 15 × 3 = 45, 17 × 85, 8 × 4 = 32, 17 × 85, ठीक है। तो साइन इनवर्स 45 × 5 = 3, 13/85, ठीक है। अब वही पोजीशन लाएंगे यहाँ पर, माना साइन इनवर्स 13/85 = θ, तो 13/85 = sin θ, तो साइन थीटा लंब बटे करण, तो लंब बटे 13/85, तो इसका जो आएगा 84 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स 13/85 = हो जाए कॉस थीटा बराबर आधार बटे करण, तो कॉस इनवर्स 84/85, यही आपको प्रूफ करना था। ये सेकंड मेथड है, ठीक है। फर्स्ट मेथड करवा दिया था और ये भी सेकंड मेथड से मैंने प्रूफ करवा दिया, देख लीजिए एक एक पॉइंट के लिए, ठीक है। चलते हैं उदाहरण नंबर 11 की ओर। तो इसको हम साइन इनवर्स 12/13, कॉस इनवर्स 4/5 माने टेन इनवर्स 13/16। तो सबसे पहले हम इसको 10 के पदों में तोड़ेंगे, साइन इनवर्स 12/13 और कॉस इनवर्स 4/5 को टेन इनवर्स के पदों में लेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी यही ट्रिक इसकी है, साइन इनवर्स 12/13 कॉस इनवर्स 4/5 को हम टेन इनवर्स के पदों में लेंगे। देखो मैं यहाँ पर लेता हूँ, ठीक। माना साइन इनवर्स 12/13 = θ, तो 12/13 = sin θ, तो चित्र बनाते हैं हम इसके लिए, लंब बटे करण 12/13, तो कितना इसका आ जाएगा, 12/13 = 169/44, तो 5 आ जाएगा, तो 169 - 144 कितना आएगा, 25, तो 5 बचेगा इसका, ठीक है। तो 5 आ गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर आएगा 12/5, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स 12/5, थीटा का मान कितना है, साइन इनवर्स 12/13 का मान टेन इनवर्स 12/5 हो गया है, ठीक। ये तो एक मान मिल पाया यहाँ पर है। अब कॉस का, तो कॉस का देखते हैं, कॉस इनवर्स 4/5 = θ, तो 4/5 = cos θ, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ चित्र बनाते हैं, कॉस थीटा बराबर आधार बटे करण, तो 4/5 या 3 आ जाएगा, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 3/4, थीटा बराबर टेन इनवर्स 3/4 किसके बराबर, कॉस इनवर्स 4/5 = हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4। इतना तो तोड़ लिया हमने, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद जो ये सब मान, हम इसका मान अलग रखेंगे, देखो
साइन इनवर्स कितना मान आया है, 12/13 का मान आया टेन के पदों में, तो आया 12/5। तो यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स 12/5 प्लस के कॉस इनवर्स 4/5 का मान कितना आया, 3/4। तो टेन इनवर्स 3/4 ठीक, और माइनस के टेन इनवर्स 13/16 बराबर पाई दिया है। और सिद्ध करना हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो अब लेंगे LHS, LHS बराबर है टेन इनवर्स 12/5, टेन इनवर्स 3/4 और टेन इनवर्स 13/16 ठीक। अब एक सूत्र होता और है तो उसको हम बताएंगे, चूंक बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है, इसके लिए देखना। टेन इनवर्स यक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई बराबर पाई, सूत्र को अंडरलाइन करना है, पाई प्लस टेन इनवर्स यक्स प्लस वाई अपान वन माइनस एक्स वाई। कब 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 कब, जब जब एक्स वाई ग्रेटर देन वन, एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो, तब लगाते, इसके लिए ध्यान रखना है सूत्र का, ठीक है। कब प्रयोग करेंगे ये भी ध्यान रखा, मैंने इम्पोर्टेंट सूत्र लिख दिया है। अब लिखेंगे इसके लिए बराबर पाई प्लस टेन इनवर्स, क्या लिखेंगे, 12/5 प्लस के 3/4 और प्लस चिन्ह, इसका इसका प्लस चिन्ह यहाँ पर, ठीक है जी, प्लस है। तो प्लस टेन इनवर्स 13/16 इसके बटे क्या हो जाएगा, वन माइनस 12/5 गुणा 3/4 ठीक। अब देखो यहाँ पर लेते हैं पाई प्लस टेन इनवर्स 48 पांतियाँ 15, देखो कैसी गुणा कर रहे हैं, अपान 5 × 20 अपान 20 माइनस कितना, 12 × 3 = 36 कितना था, 8 × 3 = 24 कितना हुआ है, तो ये 12 × 3 = 36 और प्लस के टेन इनवर्स 13/16 ठीक। अब देखो पाई प्लस टेन इनवर्स तो कितना हो जाएगा, 63, तो 63 है, ये भी मान भूल गए हैं, ये 63 है यहाँ पर, भाई तो मैंने कहा काम आ क्यों नहीं रहा, 63 है यहाँ पर ठीक। तो यहाँ पर है 63, तो टेन इनवर्स 8 × 5 = 13 63/, इसके बटे 20, 20 से 20 का एडिशन हो गए, तो यहाँ पर क्या बचा है, माइनस के 16 और प्लस के टेन इनवर्स 13/16 63/16 ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पर टेन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस पाई माइनस टेन इनवर्स 63/16 और प्लस के टेन इनवर्स क्या आ जाएगा, 63/16, जैसे ये कैंसिल होगा क्या बच गया, आपका पाई बच गया, यही दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। देख लीजिए थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, एक अंक छूट गया था और क्वेश्चन नोट करने में यहाँ पर 63 दिया गया, ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ उदाहरण में भी 63 दिया गया है और इसकी वजह से थोड़ा मिस्टेक हो रही थी, 63 दिया गया, ठीक है। उम्मीद है सवाल क्लियर हुआ होगा, और इसकी एक विधि है, उससे भी सवाल इसे लगा सकते हैं, ठीक। चलते हैं उदाहरण नंबर 12 की ओर। टेन इनवर्स ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स, बी कोस एक्स प्लस ए साइन एक्स, तो देखो लेके चल रहा हूँ, टेन इनवर्स ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स अपान बी कोस एक्स ए साइन एक्स, ठीक। तो इसमें से हम कुछ कॉमन ले रहे हैं, ठीक, इसमें प्रत्येक अंश
हर में किससे भाग कर दें, तो इसमें हम 10 बन जाए, साइन से भाग कर दें कितने, बी साइन से, बी बी कॉस से, बी कॉस यक्स से भाग करें, ठीक। तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स, तो क्या बच जाएगा ए बटे बी, ए बटे कोस कट जाएगा, ए बटे बी और प्लस के माइनस के 10 ax अपान, तो बी से भाग करोगे तो 1 प्लस a अपान b 10 ax, ठीक। हमने भाग कर दिया प्रत्येक पद में, अंश और हर में, अंश और हर में किससे भाग किया, बी कोस एक्स से, ठीक है। फिर माना ए अपान बी बराबर 10 ax, तो 10 थीटा माने, तो थीटा बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स a अपान b, मान लिया हमने, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, 10 इनवर्स a अपान b, क्या a अपान b है 10 थीटा, 10 थीटा माइनस के 10 ax अपान 1 प्लस 10 थीटा 10 ax, ठीक। अब क्या बच जाएगा 10 इनवर्स, अब 10 इनवर्स क्या बच जाएगा, ये सूत्र किसका बन गया है, 10 थीटा माइनस ax का, तो क्या बच गया आपका, कैंसिल हो गया, थीटा माइनस एक्स बचा है। अब थीटा माइनस एक्स क्या माना था आपने, तो थीटा 10 इनवर्स क्या माना था, 10 इनवर्स जो आपने माना था, थीटा की जगह क्या रख दोगे, 10 इनवर्स a अपान b माइनस एक्स, यही आपका मान निकल के आ गया, ठीक। उम्मीद है ये भी क्लियर हुआ होगा। अब ये सबसे सरल सवाल है लास्ट का, तो हम लेते हैं 10 इनवर्स 2x, 10 इनवर्स 3x बराबर π/4, तो हम सूत्र लगा देंगे 10 इनवर्स 2x 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x बराबर π/4, जो उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस के 3x और 1 माइनस के 6x² बराबर 10π/4, तो 3 2 5x 1 माइनस 6x² बराबर 1, तो क्या हो जाएगा 5x बराबर 1 माइनस 6x² का गुणा करवा दी, तो इधर ले आओ 6x² प्लस के 5x माइनस के 1 बराबर 0, इसके गुणनखंड कर लीजिए, 6 कम 6 6x² प्लस के 6x माइनस के 1 और माइनस के 1 बराबर 0, क्या हो जाएगा 6x काम ले लो, तो x प्लस के 1 माइनस के 1 x प्लस के 1 बराबर 0, तो क्या करोगे 6x माइनस के 1 x प्लस के 1 बराबर 0, तो 6x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 6x बराबर 1, तो x बराबर 1/6 आ जाएगा, तो 1/6 आ गया। इसी प्रकार x प्लस के 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, तो इसके जो x का मान मिलेगा, x का मान आएगा 1/6 -1, ठीक। यही आज के सारे विविध कुछ प्रश्नावली के उदाहरण, और अगले लेक्चर में हम सभी विविध प्रश्न आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे। हमारा चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, या इसी के साथ में जय हिंद जय भारत।